आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश के शहर उज्जैन में कौन कौन से धार्मिक स्थल हैं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स के लिए प्लीज बेल आइकन को दबाएं। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सफर हिंद में, जहाँ आपको हिंदुस्तान का स्वाद और हिंदुस्तान की खूबसूरत जगहें दोनों देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये सफर और हम आपको लेके चलते हैं उज्जैन के कुछ प्रमुख मंदिरों के। दोस्तों, हम आ गए हैं लाल दरवाजा, जो कि इंदौर उज्जैन रोड पे पड़ता है और ये उज्जैन का एंट्री पॉइंट है। और ये दरवाजा हमें सीधे लेके जाएगा महाकालेश्वर। उज्जैन स्टेशन से महाकाल की दूरी है 1.5 किलोमीटर एंड अगर आप बाय रोड आ रहे हैं तो इंदौर से इसकी दूरी आपको लगभग पड़ेगी 60 किलोमीटर एंड भोपाल से अप्रॉक्सीमेटली 200 किलोमीटर। उज्जैन के लिए ये भी कहा जाता है कि अगर आप चावल की बोरी लेकर निकलते हैं और हर मंदिर में एक एक चावल का दाना रखते हैं तो आपके चावल के दाने खत्म हो जाएंगे पर यहाँ मंदिर नहीं खत्म होंगे। शायद इसलिए उज्जैन को मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है। तो हम आ गए हैं महाकाल की पहली पार्किंग की तरफ, जहाँ पे अभी फिलहाल बहुत रश दिख रहा है एंड कार के लिए आने जाने के लिए बहुत डिफिकल्टी हो जाती है। और ये जो पहली पार्किंग है ये भारत माता मंदिर के जस्ट बगल में है एंड लॉकडाउन के टाइम पे ये रास्ता खुला हुआ था, बट करेंटली रश के कारण ये रास्ता बंद कर दिया गया है। तो हम यू टर्न लेके जाएंगे दूसरी पार्किंग की तरफ, जो महाकाल मंदिर के मुख्य द्वार के सामने है। अगर आप कार से आ रहे हैं तो पुल उतरते साथ ही लेफ्ट साइड में आपको एक सीमेंटेड रोड मिलेगी, जो रास्ता आपको सीधे महाकाल मंदिर के मुख्य द्वार की पार्किंग में लेके जाएगा। एंड अगर आप बाइक से आ रहे हैं तो ये रास्ता आपके लिए फिजिबल है। जाम लगने के कारण हमने महाकाल मंदिर परिसर की पूरी परिक्रमा कर ली है और अब हम पहुंच गए हैं महाकाल मंदिर के मुख्य द्वार पर। लॉकडाउन में महाकाल के दर्शन के लिए एमपी के बाहर के लोगों के लिए एंट्रीज रिस्ट्रिक्टेड थी, बट करेंटली उन्होंने सभी के लिए एंट्रीज ओपन कर दी है, पर भस्मा आरती अभी भी श्रद्धालुओं के लिए बंद है। इनिशियली हमने आपको कार पार्किंग के लिए जो टर्न लेने के लिए कहा था, ये रोड हमें वहीं एग्जिट करवाएगी। तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो है श्री चिंतामन गणेश मंदिर, जिसकी दूरी महाकालेश्वर से है 6.5 किलोमीटर। ऐसा माना जाता है कि गणेश जी के दर्शन मात्र से इंसान की सारी चिंताएं समाप्त हो जाती हैं और इसलिए इन्हें विघ्नेश्वर या चिंताहरण भी कहा जाता है। श्री चिंतामन गणेश मंदिर के दर्शन के बाद हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन श्री काल भैरव मंदिर, जिसकी दूरी चिंतामन गणेश मंदिर से है अप्रॉक्सीमेटली 14 किलोमीटर। श्री काल भैरव, जिन्हें द्वारपाल भी कहा जाता है, और भक्तों द्वारा यहाँ पे मदिरा का प्रसाद चढ़ाया जाता है। यदि आप महाकालेश्वर का दर्शन करते हैं तो इनके दर्शन भी जरूर कीजिए। अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 और हम पहुंच गए हैं गोपाल मंदिर, जिसे द्वारकाधीश मंदिर भी कहा जाता है, और ये उज्जैन के मेन टाउन के बीच में है। और अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आरती चालू हो गई है, तो चलिए आरती अटेंड कर लेते हैं।
द्वारकाधीश के दर्शन के बाद हम आ गए हैं भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक हर सिद्धि माता मंदिर, और यहाँ रोज शाम को आरती के समय 1100 दिए दो स्तंभों में प्रज्वलित किए जाते हैं, और यह दो स्तंभ राजा विक्रमादित्य ने अपने शासनकाल में बनवाए थे जो कि 2000 साल पुराने हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर आप इन दियों को प्रज्वलित करते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अगर आप उज्जैन आते हैं एंड आपकी इच्छा है कि आप इन दियों को प्रज्वलित करें तो मंदिर समिति में आपको प्री बुकिंग करानी पड़ेगी। अब हम आ गए हैं शिप्रा नदी के तट पर स्थित रामघाट, जहां शाम को 7 बजे शिप्रा आरती होती है। यहाँ का नदी का पानी भले ही थोड़ा साफ ना हो, पर दिन भर की थकान के बाद आप यहाँ पे सुकून के दो पल जरूर बिता सकते हैं। रामघाट के खूबसूरत नज़ारे के साथ ही हमारा आज का ये सफर यहीं समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।